आपदा में अवसर, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, मगर बीजेपी इसे यथार्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ऐसे ही कांग्रेस के अंदरूनी कलह का फायदा बीजेपी बखूबी उठा रही है। अभी हाल ही में दिए गए कमलनाथ के एक बयान पर कमल पटेल ने कमलनाथ का दर्द बताते हुए उन्हें फिर घेर लिया है। मध्य प्रदेश में सो चुकी कांग्रेस को कमलनाथ पिछले सरकार में आने से लेकर अभी तक जगा कर रखने के लिए अपनी चमड़ी और दमड़ी दोनों खर्च करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे, मगर चुनाव नजदीक आते ही उन्हीं के लोग पदलोभ में उन्हें घेरने से बाज भी नहीं आ रहे। हाल ही में कांग्रेस के नेता अरुण यादव ने बयान दिया, जिसमें अरुण यादव ने पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर दिया। उनके इस बयान के बाद फिर पक्ष और विपक्ष के लोग एक्टिव हो गए। अरुण यादव के बयान को लेकर कमलनाथ भी चुप नहीं रहे। कहा कि मुझे किसी पद या चेहरे की लालसा नहीं है, मुझे एमपी के भविष्य की चिंता है। अब भविष्य किसने देखा, मगर इस पूरे मुद्दे को बीजेपी ने कस कर लपक लिया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने तीखा अटैक किया, कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ ने स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस की आगामी चुनाव में हार सुनिश्चित है, तभी तो कमलनाथ ने हताशापूर्ण बयान दिया है। कमलनाथ के बयान से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सफाया होना तय है। मैं किसी चेहरे या किसी पद के खोज में नहीं, ये मैं स्पष्ट, मैंने पहले भी कहा, हाँ मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। अब मैं मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखना चाहता हूँ, ये मेरा लक्ष्य है। मंत्री कमल पटेल यहीं नहीं रुके, कहा कि पिछले दिनों प्रदेश में भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए थे, लोगों को, अधिकारियों कर्मचारियों को धमका रहे थे कि 8 महीने बाद मैं आ रहा हूं और मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है। जो धमकाने वाले थे वो अंधे मुंह गिर गए और अब कह रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिससे स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस की हार निश्चित है। पटेल ने दावा किया कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी और सीएम शिवराज के द्वारा किए गए विकास कामों के आधार पर पुनः सत्ता में वापसी करेगी, क्योंकि हमारी पार्टी ने विकास कामों के आधार पर जनता के दिलों को जीत लिया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ का बयान हकीकत का बयान है, जिससे स्पष्ट है कि हार का दिव्य सपन कांग्रेसी जनों ने देख लिया है। कमलनाथ के सर्वे की बात पर पटेल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने जो सर्वे कराया है उसमें कांग्रेस के कई विधायक हार रहे हैं और जिन्हें सर्वे के आधार पर पार्टी जीता हुआ मान रही है वे ज्यादा वोटों से हारेंगे। कांग्रेस पार्टी के अंदर चारों ओर निराशा और हताशा का माहौल फैला हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने आज पत्रकार के प्रश्न के जवाब में कहा, जब पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने जो उत्तर दिया कि वो किसी चेहरे की खोज में नहीं है और न वो खुद मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, उन्होंने बहुत कुछ पा लिया है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस ने और कमलनाथ जी ने कांग्रेस की हार मानकर यह हताशा पूर्ण बयान दिया है। इससे स्पष्ट है कि कमलनाथ जी ने वो दिख रहा है कि कांग्रेस का सफाया होना है, नहीं तो कुछ दिन पहले पूरे प्रदेश में पोस्टर लगाए गए थे भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ और लोगों को और अधिकारियों को कर्मचारियों को धमका रहे थे कि 8 महीने के बाद मैं आ रहा हूं और कमलनाथ की चक्की बहुत बारीक पीसती है। जो धमकाने वाले थे वो ऊंधे मुंह गिर गए हैं, अब कह रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उनको स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस की हार निश्चित है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।